श्री पहाड़िया साहब वास्तव में जब मैं इनसे पंचकूला में पंच कल्याण प्रतिष्ठा के वक्त निमंत्रण दिया था, आप आए और मैं आपकी वेशभूषा से आपके आचरण अमल से प्रभावित हुआ कि आज भी इस देश में भारतीय संस्कृति जीवित है। धोती, कुर्ता, टोपी, आज तो लोग नंगा सिर लेके घूमते हैं, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल महोदय आज भी सिर पर टोपी लेके चलते हैं, ये निश्चय ही भारतीय संस्कृति की सूचना देता है। मानव आओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने देश की सभ्यता को कायम रखने के लिए हमें इन चीजों का स्मरण करना चाहिए और अमल करना चाहिए। अमल से जिंदगी बनती, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से सब कुछ होने वाला है। हम अमल की राह पर चलें और आज गन्नौर गुप्ती धाम तीर्थ पर हो रहे पंच कल्याण प्रतिष्ठा के पावन प्रसंग पर द्वितीय दिवस आज हमारे राज्यपाल जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। आज गर्व कल्याण का प्रथम दिवस भगवान त्रसला के गर्भ में आएंगे, उद्घाटन करने जा रहे हैं राज्यपाल जी। और आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, ये अपनी धर्म पत्नी और बेटी सहित आए हैं, नहीं तो राज्यपाल जी अकेले हमेशा चल पड़ते हैं। इन्होंने भी सोचा कि आज इस मांगलिक काम में अपने पूरे परिवार को लेकर चलता हूं, यह निश्चय ही पुण्य की झोली भरने का मौका होता है। मैं क्या कहूं, आज इस मांगलिक अवसर पर मेरा रोम रोम पुलकित है। मेरी साधना का यह दौर चल रहा है, तीर्थ का निर्माण हुआ है, और इस तीर्थ के निर्माण में सभी लोगों का सहयोग है। तन मन धन जिसके पास जो है, छोटा फूल, बटन गुलाब या गुलाब, जिसने जो दिया उसके आधार पर एक खड़ा हुआ है। मैं उद्घाटन के सत्र में अपने इस क्षेत्र के इस संस्था के अध्यक्ष और महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र कुमार जी, कुलदीप जी, हमारे पानीपत के रत्न ओम प्रकाश जी, एसडीएम महोदय श्री पंकज अग्रवाल जी, एसपी साहब और लोहिया जी, सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आप सब ने इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए हमें जो सद्भावनाएं सहयोग दे रहे हैं, आप इस तरह का सहयोग और सद्भावनाएं रखते रहेंगे तो इस गन्नौर में मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। जब मैं आया था अकेला था, अब मैं अकेला नहीं, दो हो गया, आप समझ गए। जब मैं आया था गन्नौर अकेला था, अब मैं अकेला नहीं, एक से दो हो गया। मुझे उस समय 12 वर्ष लगा, अब एक से दो हो जाते हैं तो 12 की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी हम यहां अस्पताल की भी भूमिका तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय की भूमिका भी तैयार करेंगे। हम इस सृजन के दरमियान अपने संघर्ष ब्रह्मचारिणी सुमंग को भी आशीर्वाद देता हूं। ये हमारे इस सर्पण के कार्य में निरंतर सहयोग के साथ चलते हैं और निरंतर शरीर अस्वस्थ होने पर ही पुश्राद करते हैं।
हम हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत की उन्नति को लेकर विचार किए हैं। दिलवाड़ा, माउंट आबू और खजुराहो के तीर्थों के बाद एक गुप्ती धाम उत्तर भारत का एक ऐसा अनोखा तीर्थ बन पड़ा है जिसके लिए पूरा देश और विश्व विस्मरण करेगा। इसके रख रखाव, इसकी उन्नति के लिए आप सबको सोचना है। अपने मन में जितनी उज्ज्वलता लाएंगे उतना मैं गन्नौर के लिए काम कर सकूंगा, और आप मन में निर्मलता नहीं लाएंगे तो संत तो बहता हुआ पानी है, चलता रहता है। इसलिए आप सब अपने दिलों में अच्छे अच्छे भाव रखिए, इससे और बढ़िया बढ़िया चीजें हम हरियाणा में खड़ी करेंगे। और मैं क्या कहूं, आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आप सब के लिए जब हम राज्यपाल जी को अंदर लेके जाएंगे आप शांति का दान देंगे, और हमारे जैन समाज के ओम प्रकाश जैन एक बहुत सुलझे सरल और पवित्र दिल हैं, इन पर हमारा हमेशा चिंता रहता है। इन्हें किसी कारण से थोड़ा पीछा कदम दिलाया गया है, पर यह आदमी बेदाग है। ये बेदाग है और मैं हृदय के तारों को न्यायमूर्तियों से जोड़ना चाहता हूं ताकि इस व्यक्ति के उन्नयन से समाज और राष्ट्र का, प्रदेश का उन्नयन हो। हम सदैव सच के लिए साथ देते रहे हैं। भाई ओम प्रकाश जी भी एक अच्छे इंसानों में हैं। ये पुनः अपने मंत्री पद पर आसीन हो, मुख्यमंत्री जी सभी लोग इसमें अच्छी भावनाएं रख रहे हैं, और हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और इसी पर चलना है। हम सही राह पर चल रहे हैं, मंजिल हमारे हाथ होगी। हम पंच कल्याण प्रतिष्ठा के इस सत्र में पधारे हुए आज के मुख्य अतिथि को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और मैंने तो पहाड़िया साहब को शतायु होने का आशीर्वाद दिया है। दोनों परिवार के दाम्पत्य जीवन में स्वस्थ और प्रसन्न रहे, इस देश और राष्ट्र के लिए कामना करते हुए अपने आत्म कल्याण का पहाड़िया जी जरूर ध्यान रखें। जब इस शरीर से पंछी उड़े तो हमारे हृदय में परमात्मा जरूर हो ताकि हम उस तक पहुंच सकें। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा होती है जब हमारा पंछी अंदर से बाहर जाए तो प्रभु का स्मरण हो और किसी वस्तु की आकांक्षा शेष ना रह जाए। इस कांक्षा के जब व्यक्ति जाता है तो प्रभु में दीन हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ जम सकई तन की रई, जम न सकई तर सदनम, केवली जने ही भणियम सद मानस सम्मतम। जितनी शक्ति है उतना हमें अच्छा विश्वास, उतना अच्छा अच्छा आचरण आज अभी कर लेना चाहिए, और जितनी शरीर में शक्ति ना हो उतना हम विश्वास, आस्था और श्रद्धाओं को स्ट्रांग करके चलेंगे तो प्रभु ने कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम भग्य हो, तुम्हारा कल्याण एक दिन निश्चय ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के मुख्य अतिथि को मैं स्वयं बुलाता हूं कि पाड़िया जी अपने उद्बोधन से आप सबके लिए इस प्रदेश के उन्नयन और आत्म कल्याण का संदेश देते हुए
गुप्ती धाम जो तीर्थ बंद रहा है इसमें मैं क्या कर सकता हूं और आप क्या कर सकते हैं। ना मैं स्थाई हूं ना स्थाई है पहाड़िया जी, जब तक आप राज्यपाल हैं और भी रहें, लेकिन जब ना रहें तो हमारे गुप्ती धाम में आप जरूर रहें। ये गुप्ती धाम आपके लिए है, हरियाणा के लोगों के लिए है, राष्ट्र के लिए है। हम सब यहां बैठकर इस राष्ट्र और धर्म के उन्नयन के लिए पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय।